आपके पास गाड़ी है तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को पता है जो गाड़ी चला रहा है उसको सीट बेल्ट पहननी है वरना उसको चलान होगा। गाड़ी के आगे फ्रंट सीट में आपके साथ कोई बैठा है तो उसको सीट बेल्ट पहननी है वरना चलान होगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि आपकी गाड़ी की पिछली वाली सीट पे जो बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट पहननी है वरना कम से कम आपको 1,000 रुपये चलान होगा। हाल ही में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि जो गाड़ी के पीछे सवारी होती है वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगी तो उनको भी चालान होगा। क्योंकि एक आपको बता दूं, 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ मुंबई में, जो कि फॉर्मर टाटा सन्स चेयरमैन सारस मिस्त्री हैं, उनकी जो स्पीडी मर्सिडीज है वो जा रही थी, वो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे और एक डिवाइडर से जा टकराई जिसके बाद उनकी मौत वाकया हुई। तो अब जब उनकी इस तरह से मौत वाकया हुई तो ट्रैफिक रूल्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगा, जिसके बाद हाल ही में एक बड़ा बयान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से सामने आया है कि गाड़ी के पीछे बैठने वाली सवारी को भी अब सीट बेल्ट पहननी है वरना उनको चलान होगा। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं एयरबैग्स के हवाले से, क्योंकि जनवरी 2022 के बाद गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि 6 एयरबैग्स जो हैं इंस्टॉल करने हैं, जिस गाड़ी की लिमिट 8 पैसेंजर की है उसमें 6 एयरबैग्स इंस्टॉल होने चाहिए वरना उसके बाद आपको चालान होगा। जब उनको पूछा गया कि इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आगे 2 एयरबैग्स होते हैं पीछे अलग से इंस्टॉल करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, उन्होंने कहा कि जान से ज्यादा कुछ नहीं होता, तो जान की परवाह करते हुए किसी की जान ना चली जाए हाल ही में जिस तरह से मिस्टर मिस्त्री की चली गई जो कि फॉर्मर टाटा सन्स चेयरमैन है, तो 2 दिन पहले मर्सिडीज में पीछे वाली सीट पर बैठे थे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी जिसके बाद उनकी एक्सीडेंट में मौत वाकया हुई है। और उसके बाद जिस तरह से, हालांकि ये रूल पहले से है कि पीछे वाली जो सवारी है उसको भी सीट बेल्ट पहननी होती है, पर ना ही कोई देखता है और ना ही इसका चालान काटा जाता है। अब जल्द ही इस पे भी पूरी तरह से नजर रखी जाएगी और स्ट्रिक्टली, क्योंकि कैमरास भी जगह जगह मोस्टली लग गए हुए हैं, अगर उसमें भी कैमरे में अगर पता चला कि किसी ने पीछे वाली सीट पर नहीं सीट बेल्ट पहनी है तो उसको चालान किया जाएगा। तो इसी अपडेट के साथ कि जो भी अब गाड़ी में आपके, चाहे आगे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी फ्रंट सीट पे कोई है, पीछे कोई बैठा है, सबको सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे।